हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के एन के स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको मेरे थंबनेल से ही जान सकते हो कि एसटीएस और फिलिंग डेमोन्स्ट्रेटेड की घर बैठे किसे स्वयं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। और आपको यहाँ पे बताऊंगा आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें इसे, और आप ऐसे कैसे फिल कर सकते हैं वो पूरा बताऊंगा, और कहाँ कहाँ कैसे फिल करना है वो पूरा बताऊंगा आपको मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो हम एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुके हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर एसटीएस एंड फिटिंग डेमोन्स्ट्रेटर पोस्ट रिक्रूटमेंट 19, और ये 18 तारीख को आया था। और आपको इसे कैसे फिल करना है, तो आप इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपको एरो दिख रहा है उस ये जो सेवाएं लिख रखा है आपको दिख रहा हो अगर, तो वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको अगर एक एरो दिख रहा हो, ये एरो ऊपर की साइड दिख रहा है क्या, अगर आपको एरो दिख रहा हो तो सबसे पहले यहाँ पे जाके क्लिक करें। यहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे कि ये चेक बॉक्स बना हुआ है, देख रहे हैं आप, अगर यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है और इस चेक बॉक्स को टिक कर ले, ऐसे टिक करा हुआ होना चाहिए। जब आप टिक कर लेंगे तो आपका यह डेस्कटॉप साइट चालू हो जाएगी, और आप यहाँ पे जब देखोगे, यहाँ पे देख रहे हो कि दोस्तों चॉइस फिलिंग ऑफ एफ डी एंड एस टी एट एडिट वन टाइम ओनली। दोस्तों, ये केवल वन टाइम होगा, तो आप जितनी सावधानी से इसे चॉइस कर सकते हो उतनी सावधानी से इसे चॉइस फिलिंग करें, और जहाँ तक एरर ना हो उसकी पूरी कोशिश रहे कि कोई भी गलती ना रहे। जब आप इसे यहाँ पे जाके फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस क्लिक बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक दूसरा पॉपअप मेन्यू खुलेगा, और पॉपअप मेन्यू में आप यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑप्शन यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना रहेगा। तो दोस्तों, मेरे पास एक कैंडिडेट है, उनके मैं एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा, और आपको आगे क्या प्रोसेस है उसके बारे में बता रहा हूँ। और तो मैं पहले एप्लीकेशन नंबर और डाल लेता हूँ। दोस्तों, जब एप्लीकेशन नंबर आप डालोगे तो यहाँ पर एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा, और जो कि आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, और उस ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करके आपको सबमिट करना रहेगा ओटीपी। तो देखते हैं उनके पास क्या ओटीपी आया है, पहले सबसे पहले उनसे ले लेता हूँ। तो फिर जब आप ओटीपी डाल के इसे सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपकी एप्लीकेशन नंबर रहने पोस्ट जो एसटीएस की पोस्ट रहेगी, आपका एप्लीकेंट का नाम रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, फादर नेम रहेगा, मदर नेम रहेगी, आपका जेंडर रहेगा, कौन सी जेंडर से आते हो, कैटेगरी रहेगी आपकी, सिटी रहेगी, और आपके बाद मोबाइल नंबर, जो सभी जो आपकी डिटेल रहेंगी वो यहाँ पे रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, तो प्रोसेस फॉर चॉइस फिलिंग पे जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों, आप देखोगे कि यहाँ पर भी आपके एप्लीकेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा, आपका जेंडर रहेगा और कैटेगरी रहेगी, तो ये सब चीज़ें रहेगी। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और क्या है प्रोसेस, यहाँ पे आगे देखें कि आपका प्रेफरेंस रहेगा, टोटल ये सीरियल नंबर रहेगा आपका, ये पोस्ट कोड रहेगा, और यहाँ पे पोस्टिंग नेम रहेगा, और आपका सिलेक्शन रहेगा कि आप सिलेक्टेड कहाँ पे सिलेक्ट करते हो, और यहाँ पे आपका प्रिफरेंसेस को सबमिट करना रहेगा। उसके बाद आप कम से कम यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट मिनिमम 219 चॉइसेस, यू कैन चेंज योर प्रिफरेंस ऑर्डर ऑफ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन ऑफ यूजिंग अप एंड डाउन एरो। तो आप इसको यहाँ से अप एंड डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें कितने सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आप मैं इसको बताऊंगा कि इसमें 219 के लगभग आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, और इसे सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे आप देखोगे आप 219 है और अधिकतर जहाँ तक सबसे पहले आपकी प्राथमिकता जो है उसी ही सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपकी प्राथमिकता सबसे कम है उसे बाद में लें, तो सबसे पहले आप जहाँ लेना चाहते हो वो उसे सिलेक्ट करें, उसके बाद आपकी जो कम प्रायोरिटी है उसको ले दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे तो आपके लिए एक पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा जो कि आपकी फुल डिटेल के साथ आपने जहाँ जहाँ चॉइस फिलिंग करी होगी वो आएगा। दोस्तों इसमें प्रिफरेंस देख सकते हो कि इनने जो प्रिफरेंस लगाया है वो अलग अलग प्रिफरेंस से अलग अलग तरीके से लगाया है। ये जो प्रिफरेंस लगाया है यहाँ पे उन्हें लगाया है ऐसे करके टोटल आप देख सकते हो कि उनने जो जो टोटल चॉइस फिलिंग करी है वो करी है। यहाँ पे 219 आपको दिख रहा होगा तो टोटल 219 चॉइस फिलिंग करी है, टोटल सभी उनने चॉइस फिलिंग करी है और लास्ट में मुरैना या भिंड है ऐसा आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग की फ़ीस जो लग रही है वो 50 रुपये और SGST और CGST करके आपको यहाँ पे लग रहा है 59 रुपये आपके चार्जेस लग रहे हैं, और आपको इसको प्रिंट आउट करके प्रोसेस टू पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसको पेमेंट कर सकते हैं और आप अपना इसको प्रिंट करवा के अपने पास रखें। तो देख दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पेमेंट हो चुका है और इसे आप प्रिंट करके अपने पास जरूर रख लें। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।